नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफिन में। और आज हम बनाएंगे मटन पाया करी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत पसंद की जाती है ठंड के मौसम में। इसको बनाने के लिए हमने लिया है मटन के चार पाए, जिसको हमने बूचर से अच्छे से साफ़ करा लिया है और साफ़ करा के पीसेस में कटवा लिया है। इसको हम दो स्टेप में बनाएंगे। पहले स्टेप में मटन पाए को टमाटर और प्याज के साथ और थोड़े मसाले डाल के इसको हम बॉयल करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम मसाले का तड़का बना के उसमें बॉयल किए हुए मटन पाए को मिक्स करेंगे। जिसको लिए हमने मटन पाए कुकर में ले लिया है। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे, हल्दी, धनिया, मिर्चा और जीरे पाउडर के साथ हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। धनिया, ये आ गया नमक, ये जीरा पाउडर, ये थोड़ा सा पानी आधा कप के करीब। इन सबको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो गैस के फ्लेम पे हम इसको 8 सीटी आने तक बॉयल करेंगे। इसमें लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, तब तक हम बाकी दूसरी तैयारियां करेंगे अपनी। 8 सीटी आ जाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, खोल के देखते हैं क्या स्थिति है। बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, मटन पाया पूरी तरीके से गल चुका है। अब इसमें हम मटन पाए के पीस को अलग करेंगे और बाकी टमाटर प्याज को मिक्सी के जार में डाल के एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। दूसरे स्टेप में हम लेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल को धुआं उठने तक हम गर्म करेंगे। जैसे ही धुआं उठने लगेगा उसमें कुछ साबुत खड़े मसाले मिक्स करेंगे। साबुत खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए सुनहरा होने तक भून लेंगे हम। इसमें जिंजर गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद 1 से 1.5 मिनट उसका कच्चापन निकल जाए, फिर हम अगले स्टेप पे चलेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए जिंजर गार्लिक को भून लेते हैं। जिंजर गार्लिक हमारा भून के तैयार है। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं, जो ग्रेवी को बहुत ही अच्छी रंग देगा। लाल मिर्च को जलने से बचाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे 1 चम्मच के करीब, और लाल मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। लाल मिर्च भून के तैयार है। अब इसमें हम मटन पाया के पीस और मिक्सी में पीसी हुई ग्रेवी को मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छे से। फ्लेम को हमेशा मीडियम रख के काम करें। क्या स्वादिष्ट दिखने में लग रहा है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। को लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए हमें भूनना है। ठंड के मौसम में ये पाए बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, तो जो भी नॉनवेज खाने वाले हैं उनके लिए तो ज़रूरी हो जाता है ये डिश बनाना। इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स करेंगे, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक को एडजस्ट करेंगे। इसको लगातार चलाते हुए भूनें, क्योंकि पानी इसमें है नहीं और यह तली में लगने लगेगा मसाला, इसलिए लगातार चलाते हुए इसको 10 मिनट के लिए भूनना है। दस मिनट भूनने के बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी, 1 कप के करीब पानी मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे।
मिलाने के बाद हम इसको ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद जैसे ही ढक्कन खोलेंगे ये ग्रेवी बनके हमारी तैयार है। इसको रोटी, चपाती, चावल किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो किट्टू टिफिन को ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। बाय बाय।